डियर फ्रेंड से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है, कई लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है, कमेंट आता है कि सर मुझे वाटर प्रूफिंग कराना है अपने टेरेस पे, बालकनी में, बेसमेंट में, तो मुझे कौन सा कराना होगा। लोगों को नहीं मालूम होता है, आम लोग जो होते हैं जो वाटर प्रूफिंग नहीं जानते हैं तो अक्सर उनको नहीं मालूम होता है किस पर कौन सा ट्रीटमेंट होगा। तो मैं उसी लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आज वाटर प्रूफिंग टोटल मैं अनलॉक कर देता हूँ। कहाँ पर कौन सी वाटर प्रूफिंग होगी इसके बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ कि कौन सा वाटर प्रूफिंग आप कहाँ पर कराएंगे और इसका बेनिफिट क्या होता है, सब चीज़ मैं टोटल बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टोटल इंडिया में जितने भी वाटर प्रूफिंग होती है आज उसके बारे में मैं आपको टोटल बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप ये जान लें कि वाटर प्रूफिंग होती क्या है। तो वाटर प्रूफिंग ये होता है वाटर और वेपर को रोकने के लिए। जैसे मान के चलिए कि एक गुब्बारा है, उसके अंदर आप पानी अगर डाल देते हैं और उसको ठीक से सील कर देते हैं तो बिना गुब्बारे को कहीं से छेद किए हुए, बिना उसको कहीं से लीक किए हुए पानी बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसी को वाटर प्रूफिंग आम भाषा में आपको मैं समझा दिया। ठीक ऐसे ही बिल्डिंग में क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। तो वाटर प्रूफिंग बिल्डिंग में कहाँ कहाँ होता है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। तो क्या होता है कि जैसे एक इंसान को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से वो डॉक्टर उसको इलाज करता है, उसका कुछ दवाई वगैरह देता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर बिल्डिंग में सीपेज आ रहा है, सीलन लीकेज आ रहा है, प्लास्टर गिर रहे हैं तो ये एक बिल्डिंग की बीमारी है। जैसे एक कैंसर होता है वैसे ही ठीक है बिल्डिंग का कैंसर है। एक बार अगर घर में आपके लग जाए तो जल्दी जाता नहीं और आपको घर को धीरे धीरे खराब करने लगता है। जैसे अगर सीपेज आएगा तो छत का प्लास्टर गिरने लगेगा, सीलिंग छत में क्रैक्स आने लगेंगे, सीलिंग उसमें क्रैक आने लगेगा, पेंट पुट्टी वगैरह ये सब झड़ने लगता है। तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है। उसके ठीक करने के लिए जो इंडिया में जो वाटर प्रूफिंग होती है वो मिलने जो है 4 से 5 प्रकार का होता है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो एक बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया जाता है, सबसे पहले जो होता है बिल्डिंग के बेसमेंट में होता है, दूसरा किचन में, टॉयलेट में, बाथरूम में कर सकते हैं, बालकनी एरिया में होता है, रूफ टेरेस पे होता है, स्विमिंग पूल में होता है और जैसे वाटर टैंक हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, यहाँ पर वाटर प्रूफिंग होता है। इस जगह पर वाटर प्रूफिंग किया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर। और इसमें कौन सा वाटर प्रूफिंग होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि टोटल जो है 4 प्रकार की वाटर प्रूफिंग होती है इंडिया के अंदर, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। पहला जो है सीमेंटेशन वाटर प्रूफिंग, सेकंड सीमेंटेशन वाटर प्रूफिंग जो होता है ये होता वहाँ पे है जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं, जैसे कोई प्लांट हो गया, आरओ प्लांट हो गया वगैरह, जहाँ बराबर पानी रहता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे स्विच का हो गया, नाली हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, रेलवे का जो रास्ता हो गया और जो वाल हो गया, जो घर की दीवार होती है उस पर सीमेंटेशन वाटर प्रूफिंग किया जाता है। जो दूसरा वाटर प्रूफिंग होता है मोस्टली ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा चलने वाला आइडिया के अंदर, इसका जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 25 साल तक किया गया है, इसका नाम है लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि ये जो है रबर लिक्विड वाटर प्रूफिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्रेलिक इलास्टोमेरिक होता है जो अपने स्ट्रेच भी होता है और स्ट्रेच होने के बाद ये फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता है। सबसे ज़्यादा ये चलता है 25 साल तक लगभग इसका रिकॉर्ड है चलने का। तो लिक्विड रबर वाटर प्रूफिंग होता है, फाइबर में इसके साथ में लगता है, टोटल 7 कोटिंग होती है इसमें, एक तरह से एक्रिलिक इलास्टोमेरिक होता है और इसका यूज जो होता है छत पर ज़्यादातर किया जाता है। छत हो गया उस पर 7 कोटिंग लिक्विड रबर वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो तीसरा हमारा हो गया बिटुमिनस कोटिंग। बिटुमिनस कोटिंग के जैसे हम लोग APP बिटुमिनस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और इसका यूज भी बिल्डिंग में करते हैं, लेकिन इसका यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे पानी रुकने का चांस नहीं होता है। जैसे आपका छत है, थोड़ा सा ढलान है, जैसे कोठी हो गया उसके ऊपर गुंबद जैसे बना होता है तो वहाँ पे बिटुमिनस लगा सकते हैं। जैसे लो स्लाब्ड रूफ हो गया, वाल्स हो गया, बेसमेंट वाल हो गया, तो वहाँ पे इसको हम APP बिटुमिनस मेम्ब्रेन की यूज करते हैं। और इसका यूज हम छत पे जो एकदम सिंपल एकदम से बराबर होता है, सिंपल होता है, वहाँ पे बहुत कम किया जाता है। इसका यूज ढलान के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। जो हमारा चौथा हो गया वाटर प्रूफिंग, ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है और इसका नाम है पॉलीयुरेथेन वाटर प्रूफिंग। इसको पीयू ग्राउंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो पीयू ग्राउंडिंग एक्चुअली वहाँ पे होता है, जैसे आप मान चलिए कि एक बीम है, बीम की ढलाई कर दी गई, जैसे मेट्रो बना हुआ है उसमें पिलर लगा हुआ है, वैसे घर में बीम होता है, कंक्रीट की वाल होती हैं, तो यहाँ पे किया जाता है। इसमें जैसे अगर बीम में क्रेक आ जाता है, जो वाल है अगर वहाँ पे क्रेक आ जाता है तो इसमें पीयू ग्राउंडिंग करते हैं। और पीयू ग्राउंडिंग एक तरफ से प्रेशर से होता है, पॉलीथीन इसका जो है केमिकल, ये मेनली दो चीज़ से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट से। और ये क्या होता है कि जब ये जमता है तो ये एक तरफ से सॉलिड बन जाता है जिससे क्रैक वगैरह ठीक हो जाते हैं, सीपेज, सीलन ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं आती है। तो मैं आपको 4 तरह के बता दिया कि इसको कहाँ पे यूज करना है और मुझे उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आ गया कि आपके जो भी घर में दिक्कत हो रही है, आपका छत हो या बेसमेंट हो या आपका किचन बाथरूम हो गया, कि इस पर कौन सा कराना है, ये चीज़ आपको मालूम हो गई होगी। तब आपको ये लगता है कि आपको ये चीज़ मालूम हो गई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें
जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिल्ली से लेकर इंडिया तक अवेलेबल है। ये वीडियो मैं बनाया हूँ उन लोगों के लिए जो बराबर परेशान रहते हैं और वो चीज़ पूछते रहते हैं कि मुझे छत पर दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ, कौन सा करूँ। कई जगह फ़ोन करते हैं लेकिन संतोषजनक उनको जो उनके सवाल होते हैं उनके जवाब नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ और इसमें टोटल मैं अनलॉक कर दिया हूँ वाटरप्रूफिंग को कि वाटरप्रूफिंग कहाँ पे कैसे किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं सामने, यहाँ पे जो है टोटल रूफ की वाटरप्रूफिंग किया जा रहा है। एक तरफ से पुरानी बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग में कहाँ फाइबर लगेगा, इसके जो वाल है इसके वाल के ऊपर भी किया गया है। तो एक तरफ से टोटल ये वाटरप्रूफिंग हो चुका है और यहाँ पे जो है वाटरप्रूफिंग हो जाने से जो इसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी। मैं अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, वहाँ पर जाके एक एक वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे फाइबर लगाया जाता है, कैसे लिक्विड रबर की वाटरप्रूफिंग की जाती है, बेसमेंट में कैसे वाटरप्रूफिंग होता है, सेप्टिक टैंक है उसमें कैसे वाटरप्रूफिंग किया जाता है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की जो सर्विस है, मैं आपको बता दूँ कि जो सर्विस है पूरी दिल्ली में उतर